मानसून टाइम में तो हम सबको घूमना पसंद होता है, बट जाए तो कहाँ जाए, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे आसपास कहाँ ऐसी जगह है जहाँ जाकर हम एंजॉय कर सकते हैं। मेरा ट्रेवलिंग सीरीज का यह है फोर्थ वीडियो, जहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोटा शहर में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलना। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब हम बात करते हैं कोटा के बड़दा डैम की, जिसे मिनी गोवा के नाम से भी जाना जाता है। बारिश के दौरान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत सारी पब्लिक यहाँ पर जाती है, जो कि नियर बाय पड़ता है तालेड़ा से, कुछ दूर स्थित है कोटा से तालेड़ा, तालेड़ा से बड़दा डैम जो कि बूंदी सिटी के अंदर आता है, तो बूंदी से भी पास में और कोटा से भी पास में, तो आप यहाँ भी जा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। बट आपको वहाँ पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा खुद का, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है। अगली जगह की अगर हम बात करें तो अगली जगह है गरड़िया महादेव। यहाँ आपको आके अलग ही फील होगा यार, बिल्कुल एक शांत वातावरण, और चंबल यहाँ आपको बिल्कुल सर्पिले आकार में घूमती नज़र आएगी। बहुत प्यारा व्यूज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ हमारे पंजाबी गान है जिसका नाम है मन भरिया, उसकी भी शूटिंग यहीं पे हुई है। तो अगर आप कोटा आते हैं, अगर आप कोटा से हैं, तो अगर आपने ये नहीं देखा तो यहाँ ज़रूर जाना, बारिश के टाइम बहुत प्यारा व्यू आपको यहाँ से दिखेगा। और अब हम बात करते हैं रावत भाटा में पहाड़ जर वाटरफॉल, जो कि बेहद ब्यूटीफुल है यार, मतलब बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको यहाँ जाने में। कोटा से रावत भाटा और रावत भाटा से नियर बाई में पहाड़ जर वाटरफॉल है, बिल्कुल अंदर आपको थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है उसमें, और आपको ऊपर से एक बहुत ब्यूटीफुल फॉल देखने को मिलेगा। आप अगर बारिश में अगर घूमना चाहते तो इस जगह को बिल्कुल मिस ना करें। अगली जगह की अगर हम बात करें तो रावत भाटा से करीब 3.5 किलोमीटर दूर स्थित चूलिया फॉल है, जो कि चंबल की धारा को बांधने वाला एक बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। बरसात के साथ यहाँ बहुत सारे झरने बहने लगते हैं, साथ ही जिसमें सबसे बड़ा खूबसूरत झरना भी यहीं पर है। इसका खूबसूरत नज़ारा आपको पिक्स में देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल लगता है यहाँ पर। अगर आप यहाँ जाते हैं तो फिसलने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ से पानी बहता रहता है तो पत्थर चिकने हो जाते हैं, जिससे गिरने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, फिसलने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप यहाँ जाना मत भूलिएगा, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है करणेश्वर महादेव, जो कि कोटा के झालावाड़ रोड पर स्थित है। ये भी बहुत ब्यूटीफुल जगह है। यहाँ आपको बारिश में संडे टू संडे बहुत ज़्यादा भीड़ दिखेगी, और अगर आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ भी नहाने का बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है, तो आप यहाँ भी जा सकते हो। इसके ज़्यादा फुटेज नहीं होने के कारण यहाँ की मैं आपको पिक्स नहीं दिखा सका। कोटा से 25 किलोमीटर दूर और 200 फीट से ज़्यादा गहरी कराइयों में बसा कोटा का प्राकृतिक पिकनिक स्पॉट गेपरनाथ बारिश के टाइम बहुत अट्रैक्टिव होता है। यहाँ हादसे होने के बावजूद भी लोग यहाँ बड़ी संख्या में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि पहाड़ों के नीचे लोग सेल्फी लेने के कारण यहाँ हादसे के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एक्सीडेंट के। तो आप भी अगर यहाँ जाते हो तो बहुत ध्यान से यहाँ घूम के आओ। कोटा शहर की और इंटरेस्टिंग मानसून पैलेस जो भी होंगे वो मैं आपको अपने चैनल पर जल्दी बताऊंगा। तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम इंटरेस्टिंग वीडियो और ऐसे टूरिस्ट वीडियो आपके लिए बना सकें। तो सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल आइकन है उसको भी दबा देना, और लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को।